मास्टर जी, ये थोड़ा बढ़ देंगे? मेरी प्यारी माँ, लंदन जाने के बाद ये मेरी पहली चिट्ठी है तुझे, और आखिरी भी। आंसू आ गए ना तेरे आंखों में, जानती थी। चल अब जल्दी से पहुंचते उन्हें। भूल गई कितनी शरारती हूँ मैं, वैसे भूल ही गई होगी 8 सालों से तेरे साथ शरारत कहाँ की है मैंने। पर दुर्गा माँ से खूब बातें करती थी मैं तेरे बारे में, लेकिन हाँ अब दूरियां मिटने वाली है। अब तेरी बेटी अपना सपना पूरा करके पूरे 8 साल बाद लंदन से वापस आ रही है तेरे पास। हाँ माँ, आने वाले गुरुवार यानी 1 तारीख को मैं दीदपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगी। फिर आते ही जोर से तेरे गले लगूंगी। सालों बाद तेरी गोद में सर रख आराम से सोएगी तेरी बॉन्दिता। मेरी बेटी आ रही है बिलाज से। कृष्णा नगर में दवा और हवा आज भी ठाकू माँ के काबू में है, ये बात भूल तो नहीं रही है सुमति? अभी गोली चली है, लगी ना। अब आप आराम से जाइए। अरे आखिरकार चिट्ठी पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है, जाइए। हमारी बौंदता आ रही है आने वाले गुरुवार। अच्छा तो बंदूकों में तेल डलवाओ, अब गोलियां चलेंगी और बारूद बिछेगा। क्यों ठाकुर माँ? मेरा मतलब दुश्मनों की टोली थोड़ी ना आ रही है, हमारी अपनी बौंदता आ रही है इतने सालों बाद विलायत से, और अपनों पे तो फूल बरसाए जाते हैं। गोलियां नहीं, आओ बौंदता, बेसब्री से इंतजार है तुम्हारा। आने दो बौंदिता को, 8 सालों का हिसाब चुकाना है। अब जाने भी दीजिए ठाकुर माँ, 8 साल कम नहीं होते, और आप ही तो कहती है कि हमारी बौंदिता एक जिद्दी घोड़ी की तरह बेलगाम भागती। तो अब कौन जाने, हो सकता है लंदन में वो किसी अंग्रेज की मेम बनकर अभी भी बेलगाम भाग रही हो। Liz, where are you, Liz? Liz! Game over. हो गया मिशन पूरा। हेलो अंकल। ये तो लीस नहीं है, तुम उसका फ्रेंड है बौंदिता, और तुमने उसका ब्राइडल ड्रेस क्यों पहना है? मैंने लीस का शादी वाला गाउन इसलिए पहना है ताकि आपको लगे कि मैं लीस हूँ, और वहाँ लीस अपने पसंद के जीवन साथी के साथ शादी कर ले। और इसमें आपका फायदा है अंकल। हमारा फायदा? हाँ, अब देखिए, आप लीज की चर्च में मैरिज करते 125 पाउंड्स, डेकोरेशन 113 पाउंड्स, बाकी खाना पीना म्यूजिक पार्टी 1014 पाउंड्स, टोटल हुए 1252 पाउंड्स। बाकी जबरदस्ती का गेस्ट संभालना, स्माइल करना, उसकी हेडेक अलग। अब यही अगर लीज की शादी कोर्ट में हो जाए तो बस 3 पाउंड्स का स्टैम्प पेपर और 2 सिग्नेचर, और आप टेंशन से फ्री फ्री फ्री। तो हुआ ना आपका फायदा। बट अंकल, अब नो बट एंड नो इफ। आप समझिए, ये जो शादी होती है ना,
ये इलेक्ट्रिक करंट जैसी होती है, अगर सही तार जुड़ गए तो लाइफ भर रोशनी ही रोशनी, लेकिन अगर गलत तार जुड़ गए तो लाइफ भर शौक पे शौक, शौक पे शौक, शौक पे शौक मिलते ही रहेंगे। अंकल आप लीज के फादर हैं, कानून नहीं जो आंखों पे पट्टी बांध ली और अपना फैसला सुना दी। प्लीज अंकल लीज के फैसले में अपना साथ दीजिए, उसके प्यार को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता। शौती, जैसे आपने लीज को उसकी मर्जी की जिंदगी चुनने का मौका दिया, वैसे ही वो जिसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है उसे चुनने का मौका क्यों नहीं देते? ये तुम लंदन में कह सकते हो, लेकिन अपना देश हिंदुस्तान में तुम्हें ये मौका कोई दे सकता है क्या? मौका? ये। अरे अंकल मुझे तो मेरे देश हिंदुस्तान में किसी ने आसमान दिए, उड़ान दी है, मेरे सपनों के लिए अपनी जान दी है। वही मुझे किसी ने सिखाया था कि बराबर होना क्या होता है, आजाद होना क्या होता है, औरतों के लिए अपने अधिकार का मतलब क्या होता है। उन्होंने मुझे बाल विवाह से आजाद कर ये आवाज दी जो मैं आपके सामने ये सब कह सकूं। बाल विवाह अगर कुरीति है तो मैं और पति बाबू मिलकर इस कुरीति के विरुद्ध आवाज उठाएंगे। लीज ठीक कहती है, यू आर सच अ ब्यूटी विद ब्रेन, आई मीन तुम बहुत सुंदर हो और बैरिस्टर भी हो। बैरिस्टर? हे दुगामा, मैं तो भूल ही गई, अब क्या करे बोंदिता? भाग बोंदिता भाग। द गोल्ड मेडलिस्ट बैरिस्टर ऑफ दिस मैच इज नन अदर देन मिस बोंदिता दास फ्रॉम इंडिया। I request Miss Bondita to come on the stage, please. Come on, Bondita. आज गिरने का नहीं, उठने का दिन है। हम दोनों जहाज से लंदन चले जाएंगे, वहां तुम पढ़ोगी, बैरिस्टर बाबू बनोगी। मिस बोंदिता इज द ओनली वन लेडी इन दिस बैच हु गॉट बैरिस्टर डिग्री फॉर द फर्स्ट टाइम। कंग्रेचुलेशंस। दरवाजे से इस स्टेज पर आने तक मुझे 7 समंदर और 8 साल लगे, और पिछले 8 साल हर घड़ी मैंने सिर्फ इस एक पल का इंतजार किया। बैरिस्टर बनना यही ड्रीम था ना तुम्हारा? आजा तुझको मिट्टी पुकारे। मेरा सपना है कि तुम मेरी तरह मेरे साथ बैरिस्टर बनो। बैरिस्टर बाबू बनकर दिखाऊंगी मैं आपको।
बैरिस्टर नहीं, बैरिस्टर बाबू बनना। ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था बल्कि हमारा सपना था, मेरा और मेरे शिक्षक बाबू का, मेरे सखा बाबू का। सर इफ यू डोंट माइंड, मैं ये बैरिस्टर वाला रोब मेरे शिक्षक बाबू के हाथों से पहनना चाहती हूँ अपने देश हिंदुस्तान जाकर। श्योर। थैंक यू। वादा करती हूँ बैरिस्टर बनने के बाद सबसे पहले आपको ही देखेगी बोंदिता। ये लो बोंदिता, तुम यहाँ रोज आती हो सखा बाबू से मिलने, और हिंदुस्तान जाते ही सबसे पहले सखा बाबू से मिलूंगी। सखा बाबू को मिलते ही पाँव छूंगी और फिर शिकायत करूंगी अपनी कंजूस कैटेगरी की, कैसे चिट्ठियों में तीन तीन शब्दों में सखा बाबू का हाल बताती थी। He is fine, got your money, focus on studies. इससे ज्यादा तो कभी कहा ही नहीं उन्होंने। क्या बाय गॉड, अगर शब्दों पे टैक्स लगता ना तो ब्रिटिश सरकार इनकी वजह से भूखी मर जाती। कैटेगरी यही है। डोंट वरी, इनको हिंदी उतनी समझ आती है जितनी मुझे इनकी ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी इज गुड, वैसे मैं चाय भी पीती हूँ, अदरक इलायची वाला। आज तुम्हारा आखिरी दिन है इसलिए मैं कहूंगी जीते रहो, दूजो नहाओ फूटो फलो। जिंदी रहो, दूधो ना उतो फलो। वैसे तो कुछ भी कह, 8 साल में तो लोग बदल ही जाते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि तेरे सखा बाबू भी बदल गए होंगे। ए? जो बदल जाए वो मौसम, मेरे सखा बाबू नहीं। लेकिन तू भी तो बदल गई है, ऊपर से ना तो कोई फोन ना चिट्ठी, कोई फोटो है तेरी उनके पास, कैसे पहचानेंगे वो तुझे? अरे बाबू मोशाय, मैं छोटा सा तारा बन के आसमान की बड़ी सी चादर में भी छुप जाओ ना तो भी मेरे सखा बाबू पहली नजर में कह देंगे वो देखो मेरी बदमाश बोंदिता। आखिर तेरा हिंदुस्तान वापस जाने का दिन आ ही गया बोंदिता। आज क्या मांगा अपने लिए? आज अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगा है, और वो भी बहुत सारा। मालिक, मैंने आपके लिए दलिया तैयार कर दी है, वही खाते भी करीने से सजा दिए हैं, बस अब साड़ी पहनाना बाकी है। क्या? मैं साड़ी पहनाओगे तुम? हमें? नहीं मालिक नहीं, आपको नहीं, हमारी मेहरारू को, मतलब जोरू को साड़ी पहनाना है। मालिक उसके हाथ में दर्द है। पूरे जोरू के गुलाम बन चुके हो। नहीं मालिक नहीं,
चर, चोरू, जमीन, जोर की नहीं तो किसी और की। नमस्कार राय चौधरी साहब, मैं बंबई से आया हूँ। कैसा है मेरा दोस्त अनिरुद्ध राय चौधरी? मर गया अनिरुद्ध। सालों पहले ही मिटा चुके हैं हम ये नाम अपने जहन से, अपने दिल से और अपनी जिंदगी के बही खाते से भी। शाश्वती माँ, ठीक ही तो कहा है जेठ जी ने, जब से बोंदिता गई है हमने तुम्हारे अनिरुद्ध दादा को कहीं खो दिया है। लंदन जाने से पहले तो तुम्हारी जबान मोटर गाड़ी से भी तेज चलती थी। लंदन जाकर बात करना भी भूल गई क्या? कैसे कहूँ, आप सामने जो है। ठीक है, चला जाता हूँ। अब नहीं, अब ये तो नहीं कहा मैंने। अच्छा, तो तुम चाहती हो मैं यहाँ रुक जाऊँ? ये भी नहीं कहा मैंने। तो क्या चाहती है बोंदिता? मैं तो बस यही चाहती थी कि मैं जब भी बैरिस्टर बाबू बनकर आऊं तो सबसे पहले अपने सखा बाबू के पैर छूं। अब सपने में नहीं, सच में अपने सखा बाबू से मिलने का समय आ गया। सखा बाबू, आपने मेरे लिए एक बादाम वाले रसगुल्ले की 8 हंडियां ली। आप तो सच में कुछ नहीं भूले। सखा बाबू, सॉरी, कहाँ है सखा बाबू? ये तो चंद्रचूर है जिससे 8 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी। ये यहाँ क्यों आया? ढूंढो बोंदिता को, यही कहीं होगी। अच्छा हुआ चंद्रचूर से बचकर तू इस कोयले की गाड़ी में आ गई बोंदिता, पर अब सखा बाबू से कैसे मिलने जाऊं? हाँ।
सात समंदर पार घूम लिए, पर जो खुशबू अपने देश की मिट्टी और हवा में है वो कहीं और नहीं। कुत्तों और कृष्णनगर वालों का आना सख्त मना है? ये क्या गलत बात लिखी है? सखा बाबू को बताऊंगी, वो समझाएंगे उसे। पर सखा बाबू कहीं दिख नहीं रहे। पक्का मेरा मैसेज उन तक पहुंचा ही नहीं होगा। कितना बदल गया है तुलसीपुर। पहले यहाँ पे कच्ची सड़क हुआ करती थी, पर अब पक्की हो गई है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। पर अब रॉय चौधरी हवेली कहाँ है? अब अच्छा, ये रॉय चौधरी हवेली का रास्ता इस तरफ से है कि इस तरफ से? रॉय चौधरियों की मेहमान हो क्या आप? और कहाँ से आई हो? मेहमान नहीं हूँ, परिवार है वो मेरा। और मैं लंदन कृष्णा नगर से आई। ए, पत्थर क्यों मारा? अगर मारना ही था तो रोशगुल्ले मारते, कम से कम लगता तो कि बोंदिता का वेलकम हुआ है। क्यों मारा? क्योंकि तुम कृष्णा नगर से आई हो। अरे चलो चलो, सब चलो यहाँ से। सब लोग मुझसे भाग क्यों रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। आप अकेले ही आ गए जमाई बाबू, बोंदिता कहाँ है? वो नहीं आई। आसमान में उड़ती चील और जमीन में गढ़ी कील, इनसे तो बचा जा सकता है, पर ठाकू माँ से बचना मुश्किल है। कैसे निकल गई आपके सामने से? आदत ठाकू माँ, इंसान की आदत कहाँ बदलती है। फिर से एक बार आपकी आंखों में धूल झोंक कर चली गई वहां तुलसीपुर। ये सब कौन है? ये मुझे कहाँ ले जा रहे? सखा बाबू कहाँ है? बैरिस्टर बाबू आएंगे, वो फैसला लेंगे कि ये दो कृष्णा नगर की खबरी लड़कियों का क्या करना है। बैरिस्टर बाबू? वो तो सखा बाबू ही है। बैरिस्टर बाबू की जय। 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 नगर वालों ने हमारी फसलों पर टिड्डियां छोड़ दी, हमारी सारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। बैरिस्टर बाबू, हवा का रुख बदलना हो तो जैसे को तैसा देना होगा। अब हम आंख के बदले आंख लेंगे और खून के बदले खून। कृष्णा नगर वालों ने हमारी अनाज की गाड़ियां रोक दी है तुलसीपुर आने से, ऐसे तो हम भूख से मर जाएंगे। बैरिस्टर बाबू,
उन्होंने हमारा खाना रोका है, हम उनका पानी रोक देंगे। तुलसीपुर से कृष्णानगर जाने वाली नदी का पानी रोक दिया जाए। उन्होंने हमारी भूख पर हमला किया है, हम उन्हें प्यास से मारेंगे। बैरिस्टर बाबू की जय! बैरिस्टर बाबू की जय! ये सखा बाबू कैसी दुश्मनी की बात कर रहे हैं? इतने कैसे बदल गए सखा बाबू? 8 साल में तो लोग बदल ही जाते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि तेरे सखा बाबू भी बदल गए होंगे। बैरिस्टर बाबू, कृष्णानगर वालों ने अपनी लड़कियों को जासूस बनाकर भेजा है। वो तो हम सजग थे इसलिए पकड़ी गई। अब आप ही निर्णय लीजिए इनका क्या करें। सखा बाबू, आप इतना कैसे बदल गए?